कोरोना महामारी के बीच मुल्क के हालात ख़राब हुए और हमारे भिवंडी शहर में भी ख़राब हुए, इतना ख़राब हुए कि भिवंडी शहर के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपने हॉस्पिटल बंद कर दिए और अपने दवाखाने तक बंद कर दिए, जिसके कारण भिवंडी शहर में मौतों का सिलसिला बढ़ता गया। इस बीच भिवंडी शहर के कुछ समझदार लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए आवाज़ उठाई और खड़े हुए, और आज भिवंडी शहर में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक मोहल्ला क्लिनिक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, गुलजार नगर मोहल्ला क्लिनिक। गुलजार नगर फाउंडेशन, महाराष्ट्र न्याय मंच और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के सहयोग से ये मोहल्ला क्लिनिक चलाया जा रहा है मेरी देखरेख में। गुलजार नगर मोहल्ला क्लिनिक 1 और मौलाना आज़ाद नगर मोहल्ला क्लिनिक 2, ये दोनों मोहल्ला क्लिनिक मेरी देखरेख में चलाया जा रहा है। और यहाँ जो बच्चे हैं पूरी मेहनत से इसमें काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, सब कुछ है। और मैं जो देख रहा हूँ भिवंडी शहर में मोहल्ला क्लिनिक चालू होने के बाद से जो लोगों में डर थी कि दवा नहीं मिलेगी या अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, तो वो सारी परेशानियाँ मोहल्ला क्लिनिक की बदौलत दूर हो गई। और आज भिवंडी शहर में देखा जाए तो मौतों का सिलसिला भी कम हो गया है, लोगों में जो डर थी वो भी कम हो गई है। ऐसे में भिवंडी शहर में कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं आज भी, मगर मोहल्ला क्लिनिक ने भिवंडी शहर में जितनी भी है सब ने जो काम अंजाम दिया है इस महामारी के बीच, मोहल्ला क्लिनिक के तमाम लोग भिवंडी शहर में चाहे जहां उनकी क्लिनिक है वो कहीं ना कहीं हकदार हैं भिवंडी शहर में काम करने के। मोहल्ला क्लिनिक के ताल्लुक़ से जो उन्होंने हिम्मत की है, उनके डॉक्टर्स ने जो हिम्मत की है, ये बड़ी बात है। भिवंडी शहर के लोगों को चाहिए कि इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टीम है, कम से कम अपनी तरफ से उनके मोहल्ला क्लिनिक पर जाकर उनका इस्तकबाल करें, इनकी हौसला अफजाई करें। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं डॉक्टर पंकज आशिया, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहल्ला क्लिनिक के लोगों ने बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभाई है इस बुरे वक्त में, इसलिए कम से कम महानगर पालिका अपनी तरफ से इनका इस्तकबाल करके उन्हें एक सर्टिफिकेट महानगर पालिका की तरफ से दे, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और ये और अच्छा काम करने की कोशिश कर सकें। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखरे आलम। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? आप यहाँ आज 1 महीना पूरा हो गया है, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? गुलजार नगर फाउंडेशन की तरफ से जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुआ था बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और लोगों को बहुत सारी राहत मिली है, बहुत सारे केसेस हमने हैंडल किए हैं। तकरीबन रोज़ाना 55, 60, 65 इस तरह से मरीज़ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि काफ़ी दिनों तक चलता रहे ताकि लोग इससे फैजियाब होते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहल्ला क्लिनिक गुलजार नगर फाउंडेशन की तरफ से जो चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका 1 महीना कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया और बहुत सक्सेसफुल रहा, अल्लाह का शुक्र है। रोज़ाना 60, 65 पेशेंट डॉक्टर साहब ने हैंडल किया, उनको देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेशेंट बहुत खुश हैं, सबको बहुत फ़ायदा हुआ है। और हमारी जो फाउंडेशन है, गुलजार नगर फाउंडेशन की जो टीम है, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, और हमारे जो एरिया के गुलजार नगर के बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग जो हैं,
जैसे सलाम भाई है, मौज़म भाई है, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमको बहुत सपोर्ट किए इसमें, हमारी हिम्मत बढ़ाए हैं, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फ़करे आलम अंकल जो है, उनका सबसे अहम रोल है कि हमको उन्होंने बहुत हिम्मत दिया और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर उनकी तरफ से बहुत हिम्मत आई, बहुत सपोर्ट मिला। अल्लाह ताला हमसे ऐसे काम लेता रहे, और फ़करे आलम अंकल को भी हमारे साथ में ऐसे जुड़ा हुआ रखे, हम उनसे जुड़े रहें हमेशा और इसी तरह काम करते रहें। बस मोहल्ले वालों से गुजारिश है कि हमको सपोर्ट करते रहें इसी तरह, और इंशाल्लाह हम और भी अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे।